आची, हाउ इज द अदर न्यू चेयर फीलिंग? अब बस कुर्सी देखती हूँ, बस बैठ जाती हूँ जहाँ दिखती है. जरा बता दें भाई, अर्चना ने भी कहा कुर्सी देख के मैं बैठ जाती हूँ. इकलौती महिला है पूरी दुनिया में जो कुर्सी पे बैठ के स्टैंडिंग ओवेशन देती है. I think you guys are ready to laugh, right? Yes. Are you ready to laugh? Yes. Are you ready to roll on the floor laughing? Yes. All right. Well, it's time to meet our laughter ke surmas. So let's put our hands together for our first act for the day, Nitesh Shetty from Mumbai. क्या बोलते हैं पब्लिक? अंदर इतना शांति है, बाहर मेरे को एक आदमी पूछ रहे अंदर क्या चालू है रे. मैं बोला मेडिटेशन क्लास. क्या है? अरे थोड़ा आवाज करो यार, कॉमेडी शो है. देखो आपको लाइव देखने मिल रहा, उधर कैमरा लेके बैठे हैं. क्या बात है. वैसे आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है अपने लिए, अपना प्रेस लॉन्च है. और जिस दिन इंपॉर्टेंट दिन रहता है उस दिन मैं गाय को खाना खिलाता हूँ. तो आज भी सुबह उठा मैं, हंसने का ही गाय को खाना खिला, क्या खिला सकते हैं अपने. तो आज सुबह क्या हुआ, घर पे वो चपाती बना था और वो पनीर का भाजी था, उसको ऐसा मैं डाला चपाती में और गाय को खिलाया. वो पनीर खा के गाय मेरे को बोलते हैं, क्या रे मेरा आइटम मेरे को ही चिपका रहे. वैसे आप लोग सब लोग इधर प्रेस से, तो मैं आप लोग को एक गुड न्यूज़ दे दूँ कि आजकल मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया है. हाँ, न्यूज़ के लिए नहीं, न्यूज़ के लिए कौन पढ़ता है. मैं तो वो फ्रंट पेज पे जो कंस्ट्रक्शन एड्स आते हैं ना बड़ा बड़ा, उसके लिए. वो कंस्ट्रक्शन एड आप ध्यान से पढ़ो, आपको लगेगा मैं किधर कचरा पट्टी में रह रहा हूँ यार. इधर आजू बाजू किधर तो स्वर्ग बन रहे हैं, क्योंकि ये लिखा ऐसा होता है. इसको पढ़ो, कम बुक योर लग्जूरियस ड्रीम हाउस एट. बिल्डिंग का नाम ऐसा रखते कि इसका बाप भी प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा. लकोस्टेस ग्रैंडियर with three luxurious infinity swimming pool. Oh my god, three. Ample luxurious parking space. Luxurious open garden terrace with kids playing area. Wow. मैंने देखा इसमें सब कुछ लग्जरी होता है इसके एड्रेस को छोड़कर. एड बदलापुर वांगनी नियर शीलपाटा कल्याण वेस्ट. बदलापुर मतलब वहां से मुंबई आने के लिए दो दिन पहला निकलना पड़ेगा. एक तो मैंने देखा है बिल्डिंग इधर किधर भी बांध रहे हो, पनवेल में बांध रहे हो यार, कासर वाडौली में. ये एड में एक चीज कॉमन है नीचे, 10 मिनट्स फ्रॉम बीकेसी. 9 मिनट तो कासर वाडौली बोलने में जा रहे हैं. एक तो मैंने देखा है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का इतना काम चालू है, आप किससे भी फोन में बात करो ना तो पीछे टाइल्स काटने का जो मशीन है ना उसका आवाज जरूर आता है. पूरा दिमाग का दही. मैंने देखा है यहाँ पर एक कुछ लोग ऐसा है, इधर घर बहुत महंगा है तो घर लेने के चक्कर में ऐसा जगह घर लेते हैं जहाँ आजू बाजू कुछ नहीं है ना, वहाँ पर रास्ते पे कुत्ता है ना, घर पे पीने के लिए पानी है ना, किधर जाने के लिए ऑटो रिक्शा मिलता है. ये लोग को पूछेगा ना यहाँ पर घर क्यों लिया, अरे यहाँ पर ना एयरपोर्ट आने वाला है. फिर 3 साल बाद वापिस जाओ उसके घर पे, वो चाचा फिर मिलेंगे, परमिशन का सब हो गया अभी एयरपोर्ट आने ही वाला है. फिर 3 साल बाद फिर जाओ, बोर्ड लग गया है एयरपोर्ट आने वाला है. फिर 3 साल बाद जाओ, वो चाचा ही दिखेंगे नहीं. मैं उसका बीवी को बोला वो किधर है चाचा, बोलते उसने तो टेक ऑफ कर लिया. वो इधर फिल्म सिटी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स है, देखा है क्या, उधर बिल्डिंग बांधा है इधर जंगलों के बीच में. हाँ, यहां पर मेरा रिश्तेदार ने घर लिया है, उसको मैं बोला यहां घर क्यों लिया रे, बोलते यहां क्या है आजू बाजू नेचर बहुत अच्छा है, इधर जंगल है पहाड़ है नदी है, सुबह उठे ना ऐसा फ्रेश लगता है. परसों रात को मैं 12:30 बजे निकला येल्लो के घर से, मैं कसम खा इधर मैं कभी वापस नहीं आएगा. मैं वो कैब बुक कर रहा था, कैब उसमें दिखा रहा ड्राइवर 6 मिनट्स अवे, लेपर्ड 3 मिनट्स अवे. थोड़े टाइम के बाद दिखा रहे ड्राइवर कैंसल लेपर्ड अराइव्ड. तो भाग गया इधर से. वैसे आप लोग सब लोग आए मीडिया से आए, तो मेरे को एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग से बात करने का था.
परसों इधर गोरेगांव स्टेशन पे कोई तो मेरा पर्स मारा, ये वाला। तो एक्चुअली मैं इसको अभी ऑनलाइन मंगाया है, अभी इसको आप ऑनलाइन लेने जाओ तो इसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखो, ब्लैक इन कलर, मैट फिनिश, 3 different compartments। लेकिन यही अपना लोकल ट्रेन का सेल्समैन बेचता है, उसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ही अलग है, ये देखो इसको ऐसा करके देखो, ये देखो इसको ऐसा करके देखो, इसको ऐसा खींच भी सकते हैं, खींच भी सकते हैं, ऐसा मोड़ भी सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं, मुलायम का मुलायम, सॉफ्ट का सॉफ्ट। बाहर इसका रेट 500 रुपए, लेकिन हम लोग कंपनी की तरफ से सिर्फ 30 रुपया। मैं बोला देखो 30 रुपए परवड़ता कैसे रहे, बोलते परवड़ने का क्या, हम लोग यहाँ से मारते हैं और यहाँ से बेचते हैं। थैंक यू वेरी मच।